आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की संस्था गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की संस्था नहीं बचेगी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। आज का आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है, उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज महाजन जी, बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफिमेशन नोटिस पे, डेफिमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड आई थिंक ये जो ये परंपरा रही है देश के प्रजातंत्र की, कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 MPs थे तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं, बेहद ही शर्मनाक। बीजेपी आर डेस्परेट टू साइलेंस द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन। वी नो दे आर डेस्परेट, वी नो दे वांट टू साइलेंस द वॉइस, वी नो दे वुड गो टू ऑल काइंड्स ऑफ लॉज, बट दिस इज द लॉ ऑफ द लॉ, द लोएस्ट सिंस 1950, टेरिबल, the lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go? जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रह गए, कल ही तेजस्वी जी ने डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी, आपके मनसा वाचा करना में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिलकर के, लोगों के साथ मिलकर के, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा, अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी।